हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकमेट के बारे में। उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या सिर्फ सेकमेट लेने से हमारा वेट लॉस होगा, क्या हम उसको जो बेसिक प्रोडक्ट हैं उनके साथ में उसको एड ऑन करके ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं सेकमेट से रिलेटेड, और ये क्या होता है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि सेकमेट क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, और इसको किसके साथ में यूज करने से आपको इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं उनका बेस्ट बेनिफिट कैसे मिल सकता है, इसमें कितना प्रोटीन होता है और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं बात कर रही हूँ इस शेकमेट की, ये है हर्बललाइफ न्यूट्रिशन का शेकमेट, ये आप देख सकते हैं। ये शेकमेट का डब्बा आता है 500 ग्राम का। पहले ये पाउच में आता था तो वो कंफर्टेबल नहीं होता थोड़ी पाउच रखना, तो कंपनी ने अभी इसको इस तरीके के बॉक्स में निकाल दिया है और इसके अंदर एक स्कूप भी दी गई हुई है, तो जिससे कि वो मेजरमेंट के लिए काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि हमारे घरों में अलग अलग साइज़ की स्पून होती है तो हम उसके बेस पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी इसमें एक स्कूप होती है तो उससे हम इसका मेजर करके इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये आपका मिल्क का रिप्लेसमेंट है। इसको किस चीज़ से बनाया गया है, ये है स्कीम्ड मिल्क पाउडर। ये एक मिल्क पाउडर है, जैसे हमने बचपन में खाया होगा मिल्क पाउडर आता था, तो ये उसी के जैसा इसका टेस्ट होता है। और जब आप इसको सेक में डालते हैं उसमें, तो उसका टेस्ट को ये और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मिल्क से प्रॉब्लम होती है, या मिल्क में वो अपना, या मिल्क अवेलेबल नहीं होता, या फिर मिल्क में अपना वो शेक नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये मिल्क का रिप्लेसमेंट है। तो शेक मेट को आप मिल्क का रिप्लेसमेंट समझ के ले सकते हैं। जैसे मिल्क से हमें विटामिन डी, कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो उसी तरीके से सारे इसमें मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। मेनली इसमें जो मिनरल्स एंड विटामिन्स डाले गए हुए हैं, इसमें विटामिन डी रिच है और ये कैल्शियम से भरपूर है। वहाँ पे पूरी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मैं आपको इसमें से बताती हूँ आपको। तो जब हम इसका 2 स्कूप, जो इसके स्कूप अंदर है 27 ग्राम की जो स्कूप है, वो 2 स्कूप अगर सेकमेट को यूज़ करते हैं तो हमको मिलता है 10.75 ग्राम प्रोटीन। जब हम सेकमेट को 2 स्पून यूज करेंगे तो 10.75 ग्राम हमको उससे प्रोटीन मिलेगा, और कार्ब्स हैं 13.5 ग्राम, और एनर्जी इससे मिलती है हमको 106 किलो कैलोरी। ये इसमें मेन मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, और इसमें विटामिन D2 है 1.65 mcg, और कैल्शियम इसमें है 129 mg। जब हम सेकमेट लेते हैं, सिर्फ सेकमेट ले रहे हैं, तो हमको 129 mg मिल रहा है, और जो RDA के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को लेना चाहिए 1000 टू 1200 तक कैल्शियम पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें इससे कैल्शियम भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, ये मिल्क का रिप्लेसमेंट है। अगर आपको मिल्क सूट नहीं करता, आप लैक्टोज हो, तो आप इसे इजीली ले सकते हैं। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है स्कीम्ड मिल्क पाउडर एंड सोया प्रोटीन आइसोलेट। ये एक वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वे प्रोटीन, तो वो हमारे वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फुलर रखता है, और मसल गेन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोटीन। अब देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। अगर आप इसको सेपरेटली यूज करना चाहें एज अ मिल्क, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको अकेले वेट लॉस के लिए यूज करोगे, शायद आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसको जो बेसिक प्रोडक्ट हैं उनके साथ में कैसे लेना है, मैं अब आपको बताती हूँ। जब सेकमेट के साथ हम सिर्फ फॉर्मूला 1 लेते हैं और 300 ml वाटर हम उसमें डालते हैं, तो हमको 19.75 ग्राम हमको प्रोटीन मिलता है और 200 हमको कैलोरीज मिलती हैं। इसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूला 1 और शेकमेट डाला है, तो ये उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने आपको बताई है। अब मैं इसको प्रोटीन के साथ मैं आपको बताऊंगी। जब हम शेकमेट के 2 स्पून लेते हैं
और फॉर्मूला वन शेक के 3 स्पून लेते हैं, और पर्सनलाइज जो प्रोटीन पाउडर होता है जो छोटा डब्बा आता है तो उसका अगर हम 1 स्पून लेते हैं, और स्पून सब डब्बों में है तो उन्हीं स्पून से उसको लेना है, तो 300 ml वाटर में अगर हम लेते हैं तब हमको मिलता है 24.71 ग्राम प्रोटीन, और किलो कैलोरीज हमको मिलती हैं 223, 223 किलो कैलोरीज हमको इससे मिलती हैं जब हम डालेंगे 2 शेक मेड के स्पून और 3 फॉर्मूला 1, 1 प्रोटीन पाउडर। तो हमको टोटल प्रोटीन मिला 24.71 ग्राम का, 24.71 ग्राम का हमको प्रोटीन मिला, जो मेनली हम वेट लॉस में यूज़ करते हैं। अब मैं उसको आपको बताती हूँ, वो है 2 स्कूप शेक मेड, 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर। इन तीनों को जब हम लेते हैं तो 300 ml वाटर में हम बनाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल्क है तो उस टाइम पे आपको मिल्क ऐड नहीं करना है, तो इससे आपको मिलेगा 29.67 ग्राम प्रोटीन। 29.67 ग्राम मीन्स 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और 246 किलो कैलोरीज मिलेंगे, मतलब 250 के अंदर में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट या डिनर आप करते हैं तो लो कैलोरी मील है ये, तो इसी से आपका वेट लॉस होगा। अगर आप इसको बच्चों को देना चाहते हैं तो आप जैसे आपके बच्चों को दूध पसंद नहीं है, जो आपके घर पे दूध आता है वो अगर आप बच्चों को नहीं देना चाहते हैं तो आप शेक मेड के साथ में डायनो शेक यूज़ कर सकते हैं। 2 स्कूप आप इसका डाल सकते हैं, 2 स्कूप आप डायनो शेक का डाल सकते हैं, तो उससे आपको टोटल प्रोटीन मिलेगा 16.75 ग्राम। आपके बच्चे को एक टाइम में 16.75 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और उससे आपको 185 कैलोरीज मिलेंगी। बच्चों का तो कैलोरीज काउंट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा बर्न करते हैं उस टाइम पे, खेलते कूदते बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका कैलोरी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो डायनो शेक के साथ में आप इसको उनको मिक्स करके दे सकते हैं, इससे उनको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी। तो ये सब मिक्स करने के बाद अब जान लेते हैं इसको बनाना कैसे है। जैसे जैसे मैंने आपको सर्विंग्स बताई हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स करके आप जैसे भी और जितना प्रोटीन आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सबको मिक्स करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप उसको अच्छे से ब्लेंड करके उसका अच्छा सा एक गाढ़ा सा थिक शेक बनेगा आपका, और बहुत ही टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनाना है, और अगर आप सेपरेटली इसको पीना चाहते हो तो पी सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।